हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं बुलेट गुरु। मैं जितेंद्र। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पेंट प्रोटेक्शन फिल्म वर्सेस कोटिंग्स के बारे में। कोटिंग्स में दोस्तों सिरामिक कोटिंग आ रही है, टेफ्लॉन कोटिंग आती है, वैक्स कोटिंग आती है, अभी मार्केट में नया चल रहा है वो है ग्रेफेन कोटिंग, ये करवाएं या फिर पेंट प्रोटेक्शन फिल्म जो पूरी फिल्म होती है लैमिनेशन जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाता है वो करवाएं या फिर कोटिंग करवाएं, दोनों में से कौन सा कराना चाहिए एंड कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल है, किसको कराना चाहिए किसको नहीं कराना चाहिए, क्या ये सब चीजें स्कैम है, वो भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मेक श्योर इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर चैनल को ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके टाइम टाइम आ सके। दोस्तों, क्या ये सब चीजें स्कैम है? दोस्तों मैं बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं, ये सब चीजें स्कैम नहीं है, ये अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप राइट नॉलेज के हिसाब से अगर आप इनको अपनी व्हीकल में अप्लाई करते हैं, चाहे तो बाइक हो, कार हो, स्कूटर हो, इनमें अप्लाई करते हैं राइट नॉलेज के साथ में राइट जगह से, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अब पहले बात करते हैं दोस्तों इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है और कौन सा आपकी व्हीकल को रियल प्रोटेक्शन देता है, उसके अंदर बात करते हैं, फिर दोनों को थोड़ा बहुत कंपेयर करके आपको एक राइट सॉल्यूशन भी देने की ट्राई करेंगे। दोस्तों पहले अगर बात करें पीपीएफ के बारे में, जो कि है पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, नाम से आपको पता चल रहा है कि एक फिल्म की लेयर जो है वो आपकी व्हीकल पे लगाई जाती है। व्हीकल में बोल रहा हूँ मतलब आपके पास कार हो, बाइक हो, स्कूटर हो, तीनों है, तीनों के बारे में बात कर रहे हैं। तो व्हीकल में एक लेयर जो है वो लगाई जाती है फिल्म की, एंड इसके वजह से आपकी व्हीकल जो है पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड रहती है। इसमें प्रोटेक्टेड के साथ में आपको जो है स्क्रैच प्रूफ भी हो जाता है, यूवी प्रोटेक्शन भी हो जाता है, एंड आपका जो पेंट होता है उसकी लाइफ ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाती है। बट दोस्तों यहाँ पर एक कैच भी है कि ये बहुत ही कॉस्टली साइड में रहता है। अब इसका प्राइसिंग आराम से अगर हम कार में बात की जाए तो 50,000 से लेके 1-1.5 लाख तक भी जाता है। इसमें अलग अलग वारंटी प्रोडक्ट्स भी आते हैं, वारंटी मतलब 3 साल से लेकर आपको 10 साल तक की वारंटी आती है, एंड जितनी वारंटी इंक्रीज हो रही है ना उतना प्राइसिंग भी इंक्रीज होता है। साथ ही साथ कौन सी ब्रांड का परचेज कर रहे हैं, कहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं, ये सारे प्राइस फैक्टर पे डिपेंड है। अब ये तो हो गया पीपीएफ के बारे में। अब सिरामिक के बारे में बात की जाए दोस्तों, तो आजकल सिरामिक का भी बहुत अच्छा कल्चर चल रहा है। जो लोग पीपीएफ नहीं करा रहे वो सिरामिक करा रहे हैं, और सिरामिक भी जो है मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है। 9H 10H सिरामिक बहुत सारे मल्टीपल ब्रांड्स के आते हैं, ये भी 1 साल 2 साल 3 साल तक का प्रोटेक्शन जो है आपके व्हीकल में देते हैं। अलग अलग वारंटी प्रोडक्ट्स जो है इसमें आते हैं, इसमें मल्टीपल सर्विसेज भी जो है आजकल डिटेलिंग स्टूडियोज आपको दे रहे हैं, एंड ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो जाता है। अगर आपको माइनर स्क्रैचेस से बचाना है, अच्छा हाइड्रोफोबिसिटी देनी है, हाई ग्लोज देना है, शाइनिंग जो है मेंटेन रहे, आपका रियल पेंट जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, तो सिरामिक कोटिंग भी बहुत ही सही रहता है। एंड इसी के साथ में एक आता है अभी टेफ्लॉन कोटिंग भी। टेफ्लॉन कोटिंग आपने देखा होगा शोरूम्स जो है जहाँ से आप व्हीकल लेते हैं वो भी ऑफर करते हैं, एंड बहुत ही सस्ते प्राइसेस में होता है। सिरामिक कोटिंग का अगर प्राइस अगर आपको व्हीकल में 10,000 to 40,000 अगर आपके कार में लग रहा है, बाइक में वही 3,000 से लेके 7-8 हज़ार तक जाता है, और अगर टेफ्लॉन कोटिंग की बात की जाए तो 5,000 से लेके 10,000 के बीच में आराम से टेफ्लॉन कोटिंग आप अपनी कार में पूरी करा सकते हैं, बाइक में भी 1,500 से 2,000 में पूरी तरीके से हो जाती है। तो बहुत ही सस्ते ऑप्शन जो है टेफ्लॉन कोटिंग का। टेफ्लॉन कोटिंग की लाइफ जो है दोस्तों वो 6 months to 1 year रहती है। अब ये डिपेंड करता है कि मेंटेन कैसे करते हैं और कहाँ पर उसको रखते हैं, ज़्यादा धूप में रखने की वजह से, ज़्यादा कपड़े घिसने की वजह से कोटिंग्स जो है वो घिसती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान देनी चाहिए। एंड अभी जो करंटली मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है ना वो है ग्रेफेन। दोस्तों ग्रेफेन कोटिंग भी बहुत ही अच्छी कोटिंग है, सिरामिक से थोड़ा सुपीरियर कोटिंग जो है कहा जाता है, अच्छी खासी हार्डनर जो है हार्डनेस जो है ना एक क्लियर कोटिंग दे देता है। एंड अभी ग्रेफेन कोटिंग में अभी सेल्फ हील कोटिंग भी आ गया है, जिससे कि आप जैसे ही हल्के फुल्के स्क्रैचेस आ गए धूप में रख देंगे तो दोस्तों वो हील भी हो जाता है, जो स्क्रैचेस हैं वो धूप में रखने की वजह से, गर्म होने की वजह से, हीट की वजह से वो जो स्क्रैचेस हैं वो धीरे धीरे हील भी हो जाते हैं। तो ये सारे मटेरियल्स भी आ रहे हैं, बट इनका कॉस्ट जो है थोड़ा सा हायर रहता है, बिकॉज 20-30-40,000 तक जो है ये ग्रेफेन कोटिंग जाते हैं, थोड़ा कॉस्टली साइड है, बट आजकल मार्केट में ट्रेंडिंग चल रहा है सिरामिक से बेटर है। अब ये तो बात हुई ये सारे इसकी, एंड इसके साथ में एक वैक्स का ऑप्शन भी आता है। वैक्स की लाइफ जो है 15 दिन से लेके 1 महीने तक चल जाती है, एंड वो आपको हर बार जब भी आप वॉश करा रहे हो व्हीकल को तो अब आप अप्लाई करिए तो आराम से 10 दिन महीने तक जो है ये चल जाता है। तो वैक्स भी बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं कि ये सब चीज़ें मत करिए, वैक्स करवाइए। तो दोस्तों थोड़ा सा ना इसमें बजट जो है हमेशा ध्यान रखिए, कंसिडर करिए, एंड कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए आप व्हीकल ले रहे हैं। जो शॉर्ट सेलर हैं जो जल्दी अपने व्हीकल को सेल कर देते हैं उनके लिए मैं पीपीएफ रिकमेंड नहीं करूँगा, वो सिरामिक कोटिंग, टेफ्लॉन कोटिंग, इस तरह की कोटिंग जो है वो करवा सकते हैं, बहुत ही सही ऑप्शन जो है उनके लिए रहता है। बट जो लॉन्ग टाइम तक अपने व्हीकल को रख रहे हैं,
रखना चाहते हैं और पेंट को प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं, वो डेफिनेटली पीपीएफ करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है एंड आपके रियल पेंट जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है और हल्के फुल्के स्क्रैचेस भी नहीं आते, बर्ड ड्रॉप्स भी नहीं आते और पेंट का जो शाइनिंग ग्लोसेस है, ग्लोसीपन है, वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहता है। बट इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जो प्रोडक्ट होना चाहिए, जो पीपीएफ जो है, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म जो है, वो अच्छी ब्रांड का ही लीजिए। कोई ऐसी ब्रांड का मत लीजिए जिसका रिव्यू अच्छा ना हो, तो हमेशा रिव्यू देख के ही जो है वो लीजिए। अब इसमें एक और चीज़ है दोस्तों, बजट को भी याद रखना है। अगर आपकी प्रीमियम कार नहीं है तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि दोस्तों सिर्फ बेसिक कोटिंग्स ही अप्लाई करिए, ठीक है, ज़्यादा कॉस्टली बाइक नहीं है। बिकॉज सेंस नहीं बनता कि आप अपनी व्हीकल का 10% 20% कॉस्ट जो है आप सिर्फ पीपीएफ में ही दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी देखनी है। अगर आप नॉर्मल अपनी व्हीकल को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करते हैं, केयर करते हैं, प्रॉपर शेड में रखते हैं, तो वहाँ पे कोटिंग भी चल जाती है। बट अगर आपकी व्हीकल ज़्यादा ओपन में रहती है, ज़्यादा केयर नहीं कर पाते, मेंटेन नहीं कर पाते, तो वहाँ पर आप जो है पीपीएफ डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको मेंटेन कैसे करते हैं, कहाँ रखते हैं, वो सारी चीज़ें भी, पार्किंग कैसी है आपकी, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती है। तो वो चीज़ें अगर आप देख के करते हैं तो हमेशा आपको राइट ऑप्शन भी मिलेगा। बट यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ एंड में, कि जो रियल प्रोटेक्शन है स्क्रैच से, जो एक्चुअल प्रोटेक्शन देगा वो पीपीएफ ही होता है। जो सिरामिक होता है वो स्क्रैच रेजिस्टेंस होता है, जितने भी कोटिंग्स आते हैं वो हल्के फुल्के स्क्रैच, जो कपड़े वाले स्क्रैच होते हैं ना, उससे बचाते हैं। अगर कोई व्हीकल हल्की से लग गई या फिर आपका कोई कड़ा लग गया या कुछ ऐसा चीज लग गया, तो वहां पे जो है आपका जो कोटिंग है वो काम नहीं करेगी। तो ये सोच समझ के ही जो है अपनी व्हीकल में लगाइए। एंड कोटिंग्स में मैंने वैसे भी बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, अपने व्हीकल में अगर आप करवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप करा सकते हैं। बट थोड़ा सा मार्केट स्टडी करके अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बाकी मार्केट में बहुत सारे लोगों के अलग अलग जो है में जो है पॉइंट ऑफ व्यू है, उन सारे पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं बात नहीं करना चाहता। बट ये कोई स्कैम नहीं है, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन जो है मार्केट में है। पहले ऐसे ऑप्शन नहीं थे, तो व्हीकल जो है वो हमेशा 1-2 साल बाद या इतनी एकदम पुरानी जैसे लगने लगती है। बट आजकल व्हीकल, बाइक जो है, बाइक हो, कार हो, व्हीकल हो, वो सारी चीज़ें बहुत सारी मेंटेन जो है की जा रही है। तो ये मेंटेन का ही एक पार्ट है। अगर आप नहीं मेंटेन कर पा रहे तो उस पर एक मेंटेनेंस लेयर जो है लगवा दीजिए। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं कोटिंग्स के बारे में, पीपीएफ के बारे में, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन मेंशन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप अपने व्हीकल में पीपीएफ या फिर सिरामिक कोटिंग करवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली करा सकते हैं। बट बजट को ध्यान में रखिए, रिव्यू देखिए एंड कौन सा ब्रांड का आप लगा रहे हैं वो देख के लगाइए। अगर आप मुझसे रिकमेंड पूछेंगे तो आजकल ग्रेफिन कोटिंग बहुत अच्छा चल रहा है, ग्रेफिन कोटिंग डेफिनेटली आप लगा सकते हैं। एंड अच्छा बजट है आपका व्हीकल को लेके अपने, तो वहां पर आप पीपीएफ भी लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन जो है आपको व्हीकल में दे देता है। तो यहाँ वीडियो कंड करते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर कमेंट सेक्शन मेंशन करिएगा। एंड अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया लाइक करते जरूर जाइए। यहाँ वीडियो कंड करते हैं, ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए, बहुत सारे आते रहेंगे। बाय।